नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर मैं दिशा ज्योति बुटानी सरदाना के इस मंच से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा विषय है उसी के संबंध में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमारी जो बातचीत है वो एक दूसरे के साथ होती रहती है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि हमारी जो भाषा है वो परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि यदि मैं यहाँ हूँ तो मेरी भाषा का जो असर है, मतलब कहने का मतलब है कि यदि मैं मध्य प्रदेश में हूँ और विशेष तौर पर इंदौर देवास में हूँ, तो मेरी जो भाषा का या टोन जो है मेरी बोलने की वैसी ही रहेगी। उसी तरह से यदि मैं जयपुर चली जाती हूँ तो राजस्थान में जाकर मेरी टोन बदल जाती है, या इतनी दूर ही नहीं निमाड़ तक में ही पहुँचो तो हमारी भाषा जो है वो बदल जाती है। इसीलिए मनुष्य के लिए कहा जाता है, घाट घाट पर कपड़ा बदले, कदम कदम पर पानी, हर जगह वाणी बदले, कौन है ये प्राणी? कौन है? हाँ जी, आप और मैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो भाषा है उसको कदम कदम पर बदल देते हैं, और इसी कारण से भाषा में एक रूपता बनी रहे, मुख्य रूप से हिंदी भाषा की एक रूपता बनी रहे, वो एक ही प्रकार से सभी जगह लिखित रूप में इस्तेमाल की जाए, इसके लिए केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने मानक भाषा बनाई। मानक भाषा, मानक का मतलब होता है जो प्रमाणित हो, सिद्ध हो, जो एक बार साबित हो जाए तो सभी लोग उसी का प्रयोग करें। तो आइए इसी विषय के संबंध में मैं आप लोगों को विस्तृत बातें बताती हूँ। हाँ, ये बताने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहती हूँ कि हमारे लिए आज का ये विषय क्यों महत्वपूर्ण है। ये विषय हमें यह बताएगा कि हिंदी का सही रूप क्या है और हमें किस रूप में शुद्ध रूप से हिंदी को लिखना चाहिए। तो आइए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि कृपया करके जब आप इस वीडियो को देखें तो आप इसे जो इसमें मैं नियम बता रही हूँ या फिर जो चीज़ें हम जानेंगे उसको आप अपने भाषा के अंतर्गत लाने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि यदि हम ही प्रयास नहीं करेंगे तो जो लिखित चीज़ें या जो हमें केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने चीज़ें दी हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। तो इसी संबंध में मैं आप लोगों को सबसे पहले तो बता देती हूँ कि मानक भाषा जो है वो क्या है। तो हमारा वीडियो शुरू करते हैं। मानक भाषा, जब भाषा विकास प्रक्रिया से गुजरती है अथवा उसका प्रयोग एक बड़े क्षेत्र में किया जाता है तब उसकी एकरूपता को बनाए रखना कठिन हो जाता है। यानी जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको एक काव्य पंक्ति कह के बताई थी कि मनुष्य क्या करता है, हर कदम पर अपनी भाषा बदल देता है। तो भाषा में एकरूपता बनी रहे, एक तो हमारा भारत क्षेत्र बहुत बड़ा है और उस भारत क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है जिसका प्रभाव हिंदी पर भी पड़ता है। तो हिंदी में एक रूपता बनी रहे इसके लिए हिंदी भाषा का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है, आप ये भी जानते हैं, इसलिए इस पर विभिन्न बोलियों तथा उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। ये भी आपको पता है कि हमारे भारत में कई बोलियाँ, भाषाएँ, उपभाषाएं बोली जाती हैं और जिसका प्रभाव हमारी भाषा यानी मुख्य रूप से जो हमारी हिंदी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा है उस पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में वर्णों व शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं, तो जरूरी हो जाता है कि ये जो रूप प्रचलित हो रहे हैं इन्हें एक ही रूप में बनाया रखा जा सके। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि मानक भाषा क्या है। भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। यानी कि इसे शिक्षित जन इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ विद्वानों के द्वारा इसे स्वीकृत किया गया है, अपनाया गया है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, मानक भाषा कहेंगे। अतः भाषा की एकरूपता को बनाए रखने के लिए भाषा के मानक रूप की आवश्यकता पढ़ती है। यानी हमने मानक भाषा किस लिए बनाई या केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इस भाषा को क्यों बनाया, ताकि हिंदी में एक रूपता बनी रहे। तो आइए इसी संबंध में आगे और जानकारी लें।
यहाँ पर हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार दिए गए। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो जिसकी स्थापना सरकार ने की, उसके अंतर्गत सबसे पहले 1967-68 में यानी 67-68 में क्या हुआ, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नाम से एक पुस्तक निकाली गई। लेकिन बाद में 1983 यानी 1983 में इसमें संशोधन किया गया और यह पुस्तक जो जिसका नया संशोधन संस्करण बना उसका नाम हुआ देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। इसके पश्चात 2003 में देवनागरी लिपि तथा अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया और उसके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार बढ़ाया गया और इसको एक ISO मार्क भी दिया गया है ताकि हम लोग इस चीज़ को ऐसे ही ना लें या फिर ये ना समझें कि बस ऐसे ही है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ये जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्मित है, ना कि ऐसे ही आलतू फालतू कोई चीज़ है। तो यहाँ आइए सबसे पहले हम देखें कि कुछ वर्णों के पूर्व में प्रचलित रूप और उसके बाद उनके मानक रूप। तो यहाँ जो सबसे पहला शब्द दे रखा है वो है द्व, इसका उच्चारण होता है द्व। हम इसको ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार से न लिखकर हम इसे ऐसे लिखें। इसके मैं एक एक उदाहरण आपको दे रही हूँ जिससे आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ये मैंने लिखा विद्वान और पहले हम ऐसे लिखते थे। देखिए इसी संबंध में मैं एक बात और कहना चाहूँगी। पहले के समय में जो पुरुष वर्ग होते थे उनका पहनावा अलग हुआ करता था, यानी वो धोती और कुर्ता पहना करते थे, ठीक है। और आज समय परिवर्तित होने के साथ साथ हम लोग वेस्टर्न क्लॉथ्स यानी कि पश्चिमी कपड़े पहनते हैं जैसे जीन्स और पेंट। तो क्या धोती गलत हो गई? नहीं हुई, लेकिन वो प्रचलन में नहीं है। तो इसका मतलब जीन्स पहनने पर हम ज़्यादा स्मार्ट दिखेंगे, तो बस वही काम इसका भी है। ये एक पुराने जिसे हमारा पुराने जो कपड़े थे उसकी तरह है, गलत नहीं है, लेकिन अब इन्हें मान्यता न देकर सही रूप में इस रूप में मान्यता दी गई है। तो आपसे अनुरोध है कि अब आप भी इसी तरह का प्रयोग किया करें। ये मैंने लिखा विद्वान और द्वारा, ये दो शब्द में यहाँ पर इसकी शुद्ध रूप में बता रही हूँ। फिर इसके बाद दूसरा हमको दिया है द। अब ये जो है इसके एक शब्द में आपको इस तरह बता देती हूँ, जैसे ये मैंने लिखा अर्ध। अब ये अर्ध इस तरह से लिखा, लेकिन इसे हमें इस तरह से नहीं लिखकर हमें लिखना है इस तरह से। इसके अतिरिक्त मैं और आपको शब्द बता देती हूँ, जैसे बुद्धि, प्रबुद्ध, बुद्धि प्रबुद्ध, इसके अलावा अशुद्ध, अर्ध और बुद्धि और बौद्धिक, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ये मैंने लिखा अशुद्ध, शुद्ध का अशुद्ध। इसी तरह से अ, अब पहले जो अ चलता था वो ऐसे चलता था, लेकिन आज अ ऐसा है, ठीक है। तो इस अ से संबंधित शब्द, जैसे अ से मैंने यहाँ पर लिख दिया अनार, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम है। इसके अलावा अ से हम बोल सकते हैं अनेक, अभिन्न, अचिंत्य, असफलता, इस सभी में अ का प्रयोग है। इसके पश्चात ये लिखा है ख। हम पहले के समय में ख ऐसा लिखते थे, लेकिन अब इसका नया रूप जो है वो इस तरह से है और अब हमें इसी रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए, जैसे खरगोश। और जैसा मैंने यहाँ पे खग लिखा था तो इसको भी हम शुद्ध रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। ऐसा लिखने पर ये रव पड़ा जाता था, इसीलिए इसकी जो नीचे की गर्दन है उसको मोड़ दिया जाता है और उसे इस तरह से लिखा जाता है। इसके अलावा खत, खल, बतख आदि शब्द हम इसके अंतर्गत बोल सकते हैं। फिर ये झ, ये पहले चलता था झ, लेकिन अब ये झ ऐसा चलता है। और इसके जो शब्द बनने हैं जैसे झरना, झील, इसके अतिरिक्त हम और शब्द बोल सकते हैं जैसे झंडा, झूला, झीनी आदि शब्द। फिर इसी के अंतर्गत अगला देखिए, अब यहाँ पर जो अगला शब्द दे रखा है वो हमें दिया हुआ है ड,
ठीक है। अब ये ड के अंतर्गत, जैसे मैंने यहाँ पर ये ड वाला जो शब्द है इसके अंतर्गत मैंने यहाँ पर लिखा ड के अंतर्गत हड्डी लिख दिया जैसे, तो हड्डी हमने यहाँ पर ऐसे लिखा, पहले की जो किताबें हैं उनमें इस तरह से लिखा हुआ मिलता था, लेकिन अब इसका जो सही रूप है वो हमें इस तरह से लिखना है, यानी कि हमें हलंत लगाकर आधा प्रयोग करना है। इसी तरह से लड्डू खा लेते हैं गपा गप, फिर इसी तरह फिसड्डी, इसी तरह से गुड्डा, ये शब्द भी हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। फिर ये ड और ढ, ठीक है, ड के नीचे ढ है जो कि आधा ढ ढ है, तो इसके अंतर्गत जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया गड्ढा, ये ऐसे लिखा जाता था पहले, तो अब इसको सही रूप में हमें कैसे लिखना है, तो अब हम इसका नया रूप लिखेंगे इस तरह से गड्ढा, बुढ़ा, ये इसके शब्द हो गए। फिर इसी तरह से ये क, पहले ऐसे लिखा जाता था क, लेकिन अब इसका जो सही रूप है वो ऐसे है, तो इसको हम लिखेंगे पक्का ऐसे, ठीक है। इसी तरह से चक्की, चक्की चला देते हैं, ये चक्की लिख दिया, तो यहाँ पर हमें उनको अलग अलग करके दूर दूर लिखना है। अच्छा, ये क्यों हुआ, तो ये भी मैं बता दूं कि इसको इस रूप में परिवर्तित करने का कारण कंप्यूटराइज्ड करना भी है, मतलब जब हम कंप्यूटर से लिखें तो उनका सही रूप लिख पाएं, इसलिए भी इस तरह का प्रयोग किया गया है। अब इसी के अंतर्गत मैं आपको यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक शब्द और बता देती हूँ, और ये गलती तो हम अधिकतर करते ही हैं, ये गलती नहीं है लेकिन आज के नए रूप को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये चिन्ह लिखा, जबकि हमें चिन्ह जो है अब इस तरह से लिखना चाहिए। अब ये चिन्ह तो ऐसा लिखा, अब इसमें मान लीजिए मुझे छोटी की मात्रा लगानी है, तब मैं इसे इस तरह से लिखूंगी, ये इसका शुद्ध रूप है। फिर इसी तरह से द और भ, तो ये मैंने लिखा जैसे अद्भुत, ये पहले लिखा जाता था लेकिन आज इसका सही रूप जो है वो इस तरह से है, और हमें इस बात का ध्यान रखना ही होगा, हम ही नहीं सुधार करेंगे तो आगे चलकर सुधार तो होना नहीं है, तो हमें आज जो पुस्तकें आ रही हैं उनमें सब में इसी तरह के सुधार होकर चीज़ें आ रही हैं, और इसी नियम को यदि हम ध्यान रखकर शब्द बनाएंगे तो हमारे शब्द जो हैं वो सही बनेंगे, तब हम शिक्षित जन और विद्वान भी कहलाएंगे। फिर इसी तरह यहाँ पर ट लिखा है, तो ये मैंने लिखा मिट्टी, ये पहले ऐसे लिखा जाता था। अगर आपको पुरानी किताबें भी मिलती हैं तब भी आप बच्चों को पढ़ाते समय या फिर अपने घर पर ही बच्चों को बताते समय ये चीज़ें बता सकते हैं, और अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम बुक में लिखा हुआ है तो अपनी कॉपी में तो सही रूप में इसको लिख ही सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगला शब्द मैं लिख देती हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है न, तो ये अन्न हम ऐसे लिखते थे पहले, लेकिन अब जो है इसका शुद्ध रूप कैसा लिखा जाएगा, हम इसे लिखेंगे इस तरह से अन्न, भिन्न, विभिन्न, ये न से बने हुए हैं। और इसी तरह से और शब्द के रूप में कन्नड़, ये शब्द भी इसी के अंतर्गत आएगा। अब ये द्य, ये तो आप जरूर देखिएगा क्योंकि अधिकांश बच्चे विद्या या विद्यालय लिखते समय इसका प्रयोग करते हैं। एक बार और मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ क्योंकि इस चिन्ह को बताना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ, अधिकांश बच्चे इसे इस तरह से लिखते हैं और कभी कभी तो वो इसके ऊपर यहाँ पर लाइन भी नहीं खींचते, तब ये विघालय कहलाने लगता है, ये इस तरह से लिख देते हैं जो कि गलत रूप है। इसका जो शुद्ध रूप हम लिखेंगे वो लिखेंगे इस तरह से विद्यालय, ये इस तरह से लिखा जाने पर सही उच्चारण भी होगा और हमें समझ में भी आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया विद्या, पद्य, गद्य, ठीक है, मध्य, ये इसके अंतर्गत इसी तरह का चिन्ह आना चाहिए। अब ये त, ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा वक्त, तो ये वक्त में ये इस तरह से पहले की किताबों में हमें लिखा हुआ मिलता है, लेकिन आज हमें शुद्ध रूप में इसे इस तरह से लिखना चाहिए, ठीक है, ये लिखा मैंने वक्त। तो इसको हमें शुद्ध रूप में किस तरह लिखना है ये मैंने आपको यहीं पर बता दिया। इसी तरह से हम लिख सकते हैं प्रयुक्त।
अब यहाँ पर इन रूपों को देखने के बाद ये जरूरी हो जाता है कि हम इस संबंध में कुछ और नियम भी जानें। यदि आप इससे आगे नियम जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। इसे अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और अलग अलग वीडियोस लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो सकूं। तो अगले वीडियो के लिए मैं उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।